बहने लगी है चुनावी बयान। अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे। हर दावों और वादों की आईबीएन भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार। इस समय हम खड़े हैं फतेहपुर जनपद के औरैया ब्लॉक के चितौली ग्राम पंचायत में, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ ग्रामीण बैठे हुए हैं। और यहाँ हम आए हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और 15 तारीख से पहले चरण का मतदान शुरू होगा और फतेहपुर में तीसरे चरण में मतदान होना है। तो पंचायत चुनाव पे लोगों की क्या तैयारियां हैं, ये जानने के लिए हम हर ग्राम पंचायत में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ क्या स्थिति है पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की, कैसी तैयारी है लोगों की, और जनता जो ग्रामीण हैं क्या इस बार किस तरीके के प्रधान को वो अपना प्रतिनिधि बनाती है, किस प्रत्याशी को जिताती है, इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ चितौली ग्राम पंचायत में हम आए हैं और यहाँ से जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है इनकी, इनके ग्राम पंचायत में, इनके ग्राम पंचायत के लोगों के बीच में। क्या नाम है सर आपका? कैलाश चंद नाम है। कैलाश जी, जैसे कि आपकी माता जी चुनाव लड़ रही हैं, आप उसके प्रतिनिधि के रूप में उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जी, तो क्या सोच के आप इस पंचायत चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ इस तरीके का थीम आपको नज़र आया कि गांव के विकास नहीं हो पाए हैं, उसको देखते हुए कि क्या सोच के आप चुनाव मैदान में आए? चुनाव मैदान में हम ये सोच के आए हैं कि गाँव का विकास करने के हित में, क्योंकि गाँव में कई जगह पर ऐसे रास्ते पड़े हुए हैं जो अभी कच्चे पड़े हुए हैं और उसमें खरिंजा लगवाना है, कहीं कहीं नाली नहीं बनी, नाली बनवाना है, यही सारी समस्याएं हैं जनता के बीच में। तो इनको निदान करने के लिए हम प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि सिर्फ नालियां नहीं हैं ग्राम पंचायत में, वही एक विकास का रास्ता है कि और भी कुछ है? ये तो मूल कर रहे हैं, तो ये तो हर प्रधान जो भी प्रत्याशी होता है वो इन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरता है और इसकी बात करता है। तो इससे इतर इस तरीके का कुछ आपने अपने विचार मन में बनाया होगा कि इसके इतर भी हम कुछ काम करेंगे? सबसे अलग हट के काम करने का इरादा बना के रखे हैं, जनता को खुश करने का इरादा बना के रखे हैं। और जैसे आवास नहीं मिल रही किसी को, गरीब बहुत लोग पड़े हुए हैं जिनके कच्चे मकान अभी तक आवास नहीं मुहैया किया जा रहा है, तो उनको आवास दिलवाने को उसमें और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उनको निदान करने के लिए हम खड़े हुए हैं। तो क्या इसके पहले भी आपके परिवार से कोई सदस्य चुनाव मैदान में इसके पहले भी रहा है, या ये प्रथम बार है कि आप चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं? नहीं, ये प्रथम बार चुनाव में उतरे हुए हैं, इसके पहले हमारे परिवार से कोई नहीं खड़ा हुआ आज तक। तो क्या क्या समस्याएं आपको नज़र आती हैं कि जैसे प्रधान तो कई रहे होंगे आपके ग्राम पंचायत में, तमाम लोग रहे होंगे, तो हर बार विपक्ष में भी लोग रहे होंगे, तो क्या उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो चीज़ें विकास के कार्य नहीं हो पाए हैं उस चीज़ को, उस बात को उनके सामने रखा जाए और उस विकास के कार्य को पूरा कराया जाए? जैसे यहाँ पे लाइट थी, लाइट लगवाने को मरकरी था, तो मरकरी नहीं लग पाई, आज तक नहीं लग पाई है ग्राम सभा हमारे, पूरे गांव में लाइट अंधेरा पड़ा रहता है। और दूसरी बात ये पेंशन, काफ़ी लोगों को पेंशन नहीं बनी हुई है अभी, यहाँ पे पेंशन बनवाया जाएगा, और जिनको जैसे विधवा क्या कहते हैं विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बने वो भी बनवाए जाएंगे। इस तरह की सारी समस्याएं यहाँ जो गांव में हैं इनको हम दूर करने का काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में कुछ लोगों का विकलांग पेंशन नहीं बना है, विधवा पेंशन नहीं बना है, उन सब चीज़ों को, और ग्राम पंचायत में नाली नहीं है, इन सब चीज़ों को। तो एक चीज़ और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो विकास विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत में विकास के लिए धन मुहैया होता है, तो सिर्फ उतने से ही विकास करेंगे या अन्य कोई भी मद से या अन्य किसी भी तरह से अन्य विकास के लिए कुछ मद लेके आएंगे? तो जैसा कि मान लीजिए आपके ग्राम पंचायत है, तो विकास निधि से तो आपको हमेशा विकास निधि से पैसे मिलते होंगे जितने भी ग्राम पंचायत में आते हैं, तो क्या उससे हट के भी विधायक निधि, जिला पंचायत निधि, सांसद निधि, इस तरीके से भी आप करेंगे क्या कि ग्राम पंचायत निधि के अलावा अन्य निधि से भी विकास का कार्य आप करा सकते हैं? जी, ग्राम पंचायत निधि में जो आता है उतना पैसा तो काफ़ी नहीं होता है, उसके अलावा जो विधायक निधि जैसे आता है, जिला पंचायत निधि से आता है, तो उसमें से भी हम कोशिश करके विकास का काम करवाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ग्राम पंचायत चुनाव के बाद जो समितियां होती हैं, जो समितियां बनाई जाती हैं ग्राम पंचायत चुनाव के बाद, तो
समितियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि समितियां बैठक करें, बैठक करके जो विकास के कार्य हैं या जो भी कार्य हैं उस चीज़ को वो उस बैठक में पास करें और उसको धरातल पे उस चीज़ को कराएं। तो क्या आपको लगता है कि समितियां जो पास करती हैं जो भी वो धरातल पे कार्य होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, जो पास होता है वो होते हैं। और पास होने के बाद कुछ कुछ ऐसे काम भी होते हैं कि नहीं हो पाते हैं, तो उनको मूल रूप से उनको करवाना ज़्यादा अनिवार्यता है। नहीं, जैसे ग्राम पंचायत समितियां जो होती हैं, कोई भी अगर कार्य आप कराएंगे तो उन समितियों के अधीन जब तक उस समिति की बैठक नहीं होगी, उस एजेंडे में उसको नहीं रखा जाएगा और प्रस्ताव पास नहीं होगा तब तक कार्य नहीं कराए जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, अभी आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, इसके पहले क्या आपको लगता है कि इस तरीके से समितियाँ जो भी प्रस्ताव पास करती थी वो काम धरातल पर होते थे या नहीं होते थे? नहीं होते थे, इसीलिए हम इस बार चुनाव में उतरे हैं। मतलब आपका कहना है कि इसके पहले जो ग्राम पंचायत समितियां होती थी जो वो प्रस्ताव पास करते थे एजेंडे में वो काम नहीं होते थे, और ये जब प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और ये अगर प्रधान पद पे आसीन होते हैं तो ये जो समिति होगी, समिति जो भी विकास के कार्यों को अपने एजेंडे में लाएगी, प्रस्ताव को पास करेगी, उन कार्यों को करेगी। तो कुछ इस तरीके के कार्य, जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, इस समय प्रचार प्रसार पे भी हर तरीके से रोक लगा है कि कम से कम संख्या में लोगों के साथ आप प्रचार प्रसार करें, तो कोरोना काल में आप अपने गांव के लोगों को क्या मतलब कैसे मोटिवेट करते हैं कोरोना गाइडलाइन को पालन करने के लिए? जैसे मास्क के लिए बोलते हैं, सैनिटाइजर लगाने के लिए बोला जाता है, 2 गज की दूरी रखिए, ये सब बात बताते हैं और गाँव पर जाकर इस तरह प्रचार करते हैं। और अकेले प्रचार करने जाते हैं, ज़्यादा लोगों को भीड़ लेकिन हम प्रचार करने नहीं जाते हैं। कुछ इस तरीके का बताइए कि प्रधान पद पर प्रत्याशी हैं आप, प्रधान पद पे जब आप आसीन हो जाएंगे एज ए ग्राम प्रधान, तो कुछ आपके दिमाग में ऐसा है कि अपने ग्राम पंचायत के लोगों के लिए, अपने ग्राम पंचायत के लिए कुछ आपने सोच के रखा है कि ये काम हम कराएंगे जिसको जिस पर किसी का ध्यान न गया हो और सिर्फ आपका ध्यान गया हो? हाँ, ये काम सोच रखे, ये काम करवाएंगे। जैसे ग्राम सभा में, जैसे इस बार क्या कहते जमीन जो पड़ी थी नवीन परती में, जैसे तो आज तक ये पट्टे नहीं करवाए गए, तो ये पट्टा भी करवाया जाएगा। पट्टे की बात आपकी है, आपने किया कि पट्टा नहीं हुआ है, पट्टा हम करवाएंगे। हम विकास के मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, किसी व्यक्ति विशेष को उसका लाभ ना मिले, पूरे ग्राम पंचायत के अगर वो काम कराते हैं तो पूरे ग्राम पंचायत के लोगों को उसका लाभ मिले, इस तरीके तो का कोई काम ग्राम पंचायत का लाभ के लिए हम ना टंकी बनवाना चाहते हैं, ग्राम सभा में टंकी बन जाएगी, सारे लोग पानी पियेंगे और सारे ग्राम पंचायत को सुविधा मिलेगी। टंकी तो जलकर विभाग से मिलता है? तो मिलता है, पर ग्राम पंचायत विभाग में तो आता है, वो भी तो आया है कि हमारे ग्राम पंचायत में पानी की टंकी बैठे और घर घर स्वच्छ जल जाए। एक चीज़ और बताइए कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उसके अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में घर घर शौचालय का निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपके ग्राम पंचायत में जितने भी उस तरीके के लोग हैं सबके यहाँ शौचालय बन चुका है? कुछ लोग अभी पात्र जो हैं वो बाकी हैं, तो उनको भी मुहैया कराया जाएगा, अब काफ़ी लोगों को बन भी चुका है। जैसे अभी हमने आपके ग्राम पंचायत में भ्रमण किया, देखा कि बहुत ऐसे शौचालय हैं जो आधे अधूरे पड़े हैं या तो बने हैं, तो आज वो जर्जर स्थिति में है, तो क्या इस पे कुछ कहना है आपका? जर्जर नहीं पड़े हुए हैं, वो तो बहुत उपयोग में नहीं है, वही जर्जर पड़े हैं, जो बाकी जो जितने हैं बने हुए हैं वो सारे लोग उपयोग कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपील ये करना चाहते हैं सारी जनता से, आप समझदार हैं, सही प्रत्याशी चुनिए जो काम करवा सके, बस यही हम चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि हम एक इस तरीके का विकास कार्य करना चाहते हैं कि जो जिस पे किसी का ध्यान न गया हो, और ये स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचे उसके लिए एक पानी की टंकी की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी उन सब कामों को हम करवाएंगे जब ये प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और जब ये विजयी हो जाते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम ग्राम पंचायत के अन्य लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा आज तक का उनके जीवन काल में, कितने प्रधान आए, कितने गए, कितना उनको छला, कितना उनके लिए उन लोगों के लिए लोगों ने किया, और क्या उम्मीद है आने वाले जो भी आगे प्रधान प्रत्याशी हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं उनको। उसी क्रम में हम ग्राम पंचायत के एक स्थानीय निवासी से जानने की कोशिश करेंगे कि
इसके पूर्व में जो प्रधान पद के प्रत्याशी रहे हैं या जो भी प्रधान रहे हैं, क्या उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे किए? इनके ग्राम पंचायत में विकास के कार्य हुए या नहीं हुए? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमृतलाल पांडे। अमृत जी, ये बताइए कि जैसे इस समय वर्तमान में प्रधान पद का चुनाव चल रहा है, तो प्रत्याशी से तमाम होंगे, तमाम वादे किए जाते होंगे, तो मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले जो चुनाव हुए हैं, क्या उसमें जिसको आपने वोट किया या जो प्रधान पद पे विजयी घोषित हुआ और उसने जो वादे किए थे अपने चुनावी समय में, तो कहाँ तक धरातल पे वो दिखता है आपको? एक भी अंश नहीं दिखाई पड़ता है। पूरा पूरा अपना मंदिर बनवाना, अपना घर बनवाना, अपना समरसेबुल कराना, अपना ट्रैक्टर कराना, यहाँ ग्राम विकास के नाम से कलंक है हमारे गांव में। तो मतलब विकास के नाम पे कुछ ऐसा बताइए जो इस 5 वर्ष जो बीता है, इस 5 वर्ष के कार्यकाल में उस तरीके का विकास का कार्य कोई हुआ? हमारे यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, ना कुछ नहीं हुआ। तो जब विकास का कार्य नहीं हुआ तो क्या आपने कभी इसका विरोध किया, किसी उच्च अधिकारी से शिकायत किया या नहीं किया? नहीं नहीं, नहीं किया। शिकायत इसलिए नहीं किया गया कि मैं उसका प्रत्याशी नहीं था। जितने भी समिति के सदस्य थे वो सब चुपचाप बैठे। समिति के सदस्यों द्वारा ये हो सकता है, हम लोग कुछ भी बोलें वो बेकार है। तो जब समितियां गठन नहीं करती हैं तो क्या किया जाएगा? सब लोग जुट करके अपना अपना देखते हैं और समितियां बनती हैं। समितियां 11 होती हैं, समितियां बनती हैं, हर चीज़ की समिति अलग अलग होती हैं और समितियों के बैठक होता है, एजेंटे पास होते हैं, उसके अनुसार कार्य होते हैं। तो कभी आपने ये आप इस गांव के निवासी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की कि समितियों की बैठक होती है या नहीं होती है? हमने नहीं, हमने इसके बारे में जाना ही नहीं है कि बैठक कब होती है, किस मोहल्ले में होती है, किस गांव में होती है। हमारे यहां का 3 मौजा है, चितौली, गोपालपुर और हमारा गांव, तीनों के अंदर में बीच में गांव जो पड़ता है उसी में समितियां बनना चाहिए। तो वहां पर हम लोगों को कोई समितियों के लिए सूचना नहीं मिली है, ये आप समझिए। तो जैसा कि आपने सुना कि ग्राम पंचायत में जो समितियां होती हैं और जब समितियां बनाई जाती हैं तो उसका बाकायदे डुगडुगी पिटवा के पूरे ग्राम पंचायत में प्रचार प्रसार कराया जाता है कि उसकी तिथि निर्धारित होती है और उस तिथि पे समिति जो होती है उसका गठन होता है, बाकायदे उसका एक एजेंडा तैयार किया जाता है। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि समितियां कब बनी, समितियों ने कब बैठक किया, कब प्रस्ताव पास किया, इस तरीके की जानकारी ग्राम पंचायत के लोगों को नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में जो प्रत्याशी हैं उनसे क्या अपेक्षाएं हैं इनको, उन प्रत्याशियों से। तो जो भी लोग इस समय चुनाव कि जैसे हमारे पास एक थोड़ा सा जो होता है नवमी में, नवरात्रि में जो होता है वो एक चबूतरा बनाना है, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि भाई देखिए आप अगर बने तो पहले हमारे चबूतरे का कार्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी वो देवी देवता हैं, हम 12 महीने उनका सेवा करते हैं। जैसे धार्मिक कार्य है तो वो तो आप सर्वसम्मत से ग्राम पंचायत के लोगों के माध्यम से भी करवा सकते हैं। हम आपके विकास की बात कर रहे हैं, विकास के लिए आपकी क्या अपेक्षाएं हैं उन प्रत्याशियों से? भाई उन प्रत्याशियों से विकास की ये है कि जैसे तालाब हैं हमारे, सब बेकार पड़े हैं, वो तालाब में मत्स्य पालन का उद्योग किया जाए और उसको किसी को सौंप दिया जाए। सौंप करके जो भी संपत्ति आए वो हमारे गांव में नाली खरिंजा है, चक्रोल है या और कुछ भी मतलब सेवा के लिए बन सकता है, बेकार पड़े रहने से क्या फ़ायदा है? ये एक समस्या है हमारे लोगों के यहाँ। दूसरी बात यह है कि जो लावारिस ज़मीन पड़ी है उसको भी देखें, छोटे बड़े किसानों को अपना उसको दिया जाए और कार से लगाया जाए। तीसरी बात यह है कि जैसे आवास किसी के पास नहीं है, वो अबला है तो उसको नहीं मिल रहा है, जिसकी बिल्डिंग बनी है उसके लिए आवास बन रहा है, इस पर रोक लगाया जाए, उसको तहकीकात किया जाए कि हाँ ये जायज़ है अथवा ना जायज़ है, उसको किया जाए। और हमारे यहाँ हमारी 65-70 साल की उम्र है, क्या हमको हम पेंशन के लायक नहीं हैं? हम पेंशन लायक नहीं हैं है? तो हमारे लिए पेंशन अगर बोला जाता है कि प्रधान जी हमारी पेंशन बनवाइए, प्रधान जी कहते हैं तुम्हारे तो सब कुछ है, तुमको क्या चाहिए,
अरे हमारे सब कुछ है और ये सरकार के पास तो सब कुछ है, क्यों विदेश से पैसा ले रही है सरकार? विदेश से पैसा लेकर के ये सड़क बनवा रही है, इसके पास तो सब कुछ है। तो हमारे सब कुछ होते हुए हमको जो चीज़ मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, या हमारी कॉलोनी है मिलना चाहिए तो हमको कॉलोनी मिलना चाहिए। हमको ये थोड़े है कि कॉलोनी ना मिले और एक बड़े आदमी को कॉलोनी दे दी जाए और गरीब आदमी को ना दिया जाए। हमारे यहाँ एक से अबला पड़ी हैं, अबला जिनके अनाथ हैं, चार चार बच्चे हैं, आज तक कॉलोनी का रूप नहीं आया है उनके सामने। उनका घर अगर आप देख लें तो यही कहेंगे कि ये बच्चे रात को मर जाएँ कि दिन को मर जाएँ, कोई वो बात नहीं। मेरे घर की बात है, ये मेरे घर की बात है। तो ऐसा प्रधान बनाने से क्या फ़ायदा है? प्रधान बनेगा वो फिर लूट मचाएगा। हम लोगों का तो दिमाग इतना ख़राब है कि हम किसी को वोट मत दें, मगर बगैर वोट नहीं ख़राब करेंगे, क्योंकि वोट बहुमूल्य है, वोट नहीं ख़राब करेंगे, मगर आत्मा ख़राब हो जाती है। जैसा कि आपने सुना, इनका काफ़ी दर्द है जो अब तक के प्रत्याशी रहे हैं या जो भी ग्राम प्रधान रहे हैं, उन लोगों से काफ़ी शिकायतें हैं इनको। और इनका कहना है कि आज तक हम लोग का जो वृद्धा पेंशन होता है वो नहीं बना। कुछ लोग इस तरीके ग्राम पंचायत में हैं जिनको आवास मिलना चाहिए, उनको आवास नहीं मिला। चलिए अब इसी क्रम में अन्य लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन प्रत्याशियों से जो इस समय चुनाव मैदान में हैं, क्या अपेक्षाएं हैं उनको इन प्रत्याशियों से अपने लिए। आइए हम इसी क्रम में एक और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम लखन सिंह, ग्राम चितौली, ग्राम पंचायत चितौली और ग्राम चितौली। ये बताइए कि जो भी प्रत्याशी हैं और या जो इसके पहले प्रधान रह चुके हैं, क्या आपने जो अपेक्षाएं की थी आपकी अपेक्षाएं पूरी हुई, या ग्राम पंचायत के लोगों ने जो अपेक्षाएं की थी उन प्रधान से, वो अपेक्षाएं पूरी हुई या नहीं हुई? नहीं, अपेक्षाएं कोई भी नहीं पूरी होती। डिमांड भी मैंने लिखित भी दिया अपनी आवश्यकताएं, और मेरी पर्सनल कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पब्लिक के लिए, और वो अपने मनमानी करते हैं। यहाँ से सबसे यहाँ हमारे यहाँ मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ कि पंचायत मित्र हमारे ग्राम चितौ पंचायत से चेंज किया जाए। जब तक ये पंचायत मित्र रहेगा कोई भी कार्य नहीं हो सकता। पुलिस पब्लिक से आप पूछिए, सबसे पहले ग्राम पंचायत को, पंचायत मित्र को चेंज किया जाए। सर उसका कहना है कि जब तक मैं रहूँगा चितौली ग्राम पंचायत का विकास नहीं होने पाएगा, उसका कहना है, कहता है वो। आप कहिए, कोई भी उसके कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है। अब काम प्रधान तो आते हैं, जहाँ चुन के आ गए वो मिल लिए, वो अपना वही रास्ते, चाहे अभी कितना भी बोले हम ये करेंगे, वही रास्ते पे। BDO ADO सेक्रेटरी सब भ्रष्टाचार है। सबके नाम मैंने ऑनलाइन कितनी कंप्लेन किया, 10-20 मेरे पास प्रूफ है। अभी 40 आदमी को मनरेगा के जो कभी काम में गए नहीं, देखे भी नहीं, हाँ उनके यहाँ 50,000 उनके खास PDF फाइल बना के अभी आपके उनके उसे भेजा हूँ मैं, हाँ। और पिछले साल मई का कोरोना के टाइम पे लोग धूप में मरे हैं, आज तक उनको पैसा नहीं मिला। मैं कंप्लेन किया तो बोलते हैं सबका पैसा मिल गया। मेरे पास पूरे पक्के सबूत है, उनके लेटर है मेरे पास। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस समय पंचायत चुनाव की, तो जो भी प्रत्याशी इस समय मैदान में है, उनसे क्या अपेक्षाएं आप करते हैं कि किस तरीके का विकास का कार्य होता है? हमारे लिए तो सब बराबर है, कोई भी चुन के आए, मगर यही है कि वही पुराने जैसे आज मैं देख रहा हूँ। इतने जब पहले तो बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में वो सदस्य जो है, इधर सुनिए, सदस्य जो अंगूठा छाप रहते हैं अपने परिवार के बना लेते हैं, हाँ। सब घर में मीटिंग, कब मीटिंग होती है पंचायत, कब नहीं होती है, क्या होता है, कुछ नहीं, वो सब मिलके साइन कर लेते हैं, कोई भी ठहराव नहीं पास होता, ठहराव होता ही नहीं है। उन्हीं लोग अपने लोग सदस्य बना लेते अपने ग्रुप के, बस ऐसा साइन कर लेते, अनपढ़ लोगों को बनाते, कोई काम करते नहीं, पब्लिक देखती रहे। अभी बुधवन हमारे यहाँ लिंक रोड है, चितौली से बुधवन मेन लिंक रोड है, आज तक उसमें एक टुकड़ा मिट्टी नहीं पड़ी है। बरसात में ऐसी कंडीशन है, या अभी भी जाके देखो इतने इतने गड्ढे हैं, जबकि गांव से लग के है बुधवन के लिए, रात दिन की मार्केट जाता आदमी सब है। यहाँ भी कई रोड ऐसी है अकोड़िया में, वो भी पड़ी है, हाँ। मगर हाँ, पिछले साल मैंने DC साहब से आर्डर लेके आया,
तो उन्होंने बोले हाँ लगाएंगे रोड में करेंगे, कहाँ साले तालाब में जहाँ भ्रष्टाचार करने के लिए मिलता है तालाब खुदाने में चालू किए पूरा सीजन। अभी तक वो मजदूरों को बहुत से पैसा नहीं आया, नहीं आ पाया है। कॉलोनी है जिनके हैं उनके खास आदमी उन्हीं को कॉलोनी दी जा रही है, 20-20 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। अब पब्लिक का तो फायदा हो गया, वो बोलता अब कौन कहेगा कि हमने 20 हज़ार दिया है, हाँ सामने वो नहीं कहता फिर ऐसा है। नहीं जैसा आप अगर वोट करते हैं तो आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी उम्मीदें थी, इनकी भी काफ़ी शिकायतें हैं, पूर्व जो इसके पहले प्रधान रह चुके हैं प्रशासन से भी इनकी काफ़ी शिकायतें हैं कि बार बार इनके द्वारा शिकायत किया गया लेकिन इनकी शिकायत की किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की गई। सब निस्तारित कर देते हैं। आइए फिर आगे अन्य लोगों से भी हम बात करते हैं और उसी क्रम में आइए हम इस ग्राम पंचायत की एक स्थानीय महिला हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उम्मीदें उनको इसके पूर्व में थीं और क्या उनकी जो अपेक्षाएं थी इसके पूर्व प्रधान से वो पूरी हुई, गांव के विकास हुआ कि नहीं हुआ, कि और आने वाले जो चुनाव हैं इसमें इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। जब प्रत्याशी इनके पास वोट मांगने के लिए जाते होंगे तो क्या होता होगा इनका सवाल उन प्रत्याशियों से, इनके हम खुद बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है हमारे? मैं सर जी, मेरा नाम सीता पांडे है, ग्राम हसन पोखड़िया की रहने वाली हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं एक अनाथ हूँ। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और सर जी मेरे रहने के, मेरे 4-4 बच्चे हैं, मेरे रहने के लिए ऐसी मतलब वो मकान है कि आज गिरे बच्चे कल मर जाएं, मतलब बिल्कुल व्यवस्था नहीं। रात बरसात में तो ऐसा भी होता है कि पानी बाहर जाता है पूरे घर में कि खाना बनाने तक की जगह नहीं होती, लेकिन कोई हमें सुविधा नहीं मिली है। आज 6-7 साल हो गए हमारे पति को ख़त्म हुए, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी मेरा कटवा दिया गया था। फिर हमने दौड़ धूप के किसी तरह मतलब कविता ब्लॉक में कविता वीडियो साहब थी उनके पास जाके हम लोग आके किसी तरह अपना राशन कार्ड बनवा लिए, जिसके सहारे से हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, खिला रहे हैं, और हमें कोई सुविधा मिलती नहीं है। आते हैं मांग लेते हैं उसके बाद वोट दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं को हम या कुड़िया से किसी ने वोट दी नहीं है हमें कोई, मतलब वो 30 हज़ार रुपये हमें मिला था जब हमारे हस्बैंड ख़त्म हुए थे, उसका लाभ 30 हज़ार रुपये मिला था। उसमें भी 10% का पहले मतलब वो ले लिए, 3 हज़ार रुपये ले लिए, किसी ना किसी तरह हमने कुछ वो करके दिया। जो 10-20 हज़ार रुपये देने लायक है उनको कॉलोनी मिल जाती है, सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं, लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम कहाँ से उनको पहले से पहले पैसे की भरपाई करें जिससे हमको भी मिले। तो हमको कोई सुविधा मिलने के लिए कोई क्या नाम बताया आपने? सीता पांडे। तो जैसा कि आपने सुना सीता पांडे जी को, जो एक विधवा महिला हैं जिनके पास आवास नहीं है, उनके 4 बच्चे हैं और उनका ये आरोप है कि हमारा राशन कार्ड से नाम भी कटवा दिया गया और काफ़ी दौड़ धूप के बाद महिला बीडीओ ने ध्यान दिया तो आज इनका राशन कार्ड बना। तो लोगों की अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं इस ग्राम पंचायत चुनाव में। ग्रामीण जो होते हैं वोट देते समय अगर जागरूक रहें कि किसको वोट दें किसको ना दें तो वो ठगा महसूस नहीं, वोट देते समय किसी अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें तो वो ठगे महसूस नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ सारे लोगों से बात किया और सारे लोग काफ़ी दुखी हैं और उन्होंने अपनी समस्याएं गिनाई। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं मुकेश राव, SRB न्यूज़ लखनऊ। बहने लगी है चुनावी बयां, अब होंगे विकास के दावे, गली मोहल्लों को चमकाने के वादे, हर दावों और वादों की IBN भारत करेगा पड़ताल, क्योंकि आप बनाने जा रहे हैं गांव की सरकार।